रामायण के राम सेतु के बारे में तो आप जानते ही होंगे। श्री राम की वानर सेना के द्वारा बनाया हुआ ये ब्रिज आज भी मौजूद है। हालांकि कई लोग ये साबित करने में लगे हुए थे कि ये सिर्फ एक कुदरती संरचना है, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ साबित करने से वो सच नहीं हो जाता। अभी हाल ही में डिस्कवरी ग्रुप के साइंस चैनल के एक शो में ये बताया गया है कि राम सेतु कोई कुदरती संरचना नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है। राम सेतु का सबसे पहले जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में किया गया था, जिसके मुताबिक ये पुल श्री राम की विशाल वानर सेना ने बनाया था। राम सेतु लगभग 50 किलोमीटर लंबा है, जो कि तमिलनाडु के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। इस पुल के आसपास समुद्र सतह से काफ़ी कम ऊंचा है, लगभग 3 से 30 फीट ऊंचा। अभी हाल ही में हुए रिसर्च से आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि राम सेतु की जिस मिट्टी की परत के ऊपर इस पुल के पत्थर हैं वो करीब 5000 साल पुरानी है, जबकि ये पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, जिसका मतलब है कि ये पत्थर कहीं और से लाकर यहाँ की समुद्र की मिट्टी की परत के ऊपर डाले गए हैं। कहते हैं कि 15वीं सदी तक राम सेतु समुद्र से ऊंचा था और इस पर आराम से चला जा सकता था। मंदिरों के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1480 तक ये पुल सतह के ऊपर था, जो कि बाद में एक बड़े तूफान की वजह से पानी के नीचे आ गया। राम सेतु कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन विज्ञान का वो करिश्मा है जिसके सामने आज की टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।